मोहन एक भारतीय मॉडल थी जिनकी 30 सितंबर 2022 को वसवा मुंबई में आत्महत्या करने के बाद मृत्यु हो गई। आकांक्षा मोहन का जन्म 4 अक्टूबर 1991 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसकी राशि तुला है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सिटी मोटेसरी स्कूल लखनऊ से की। उन्होंने डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और IBM में तेलंगाना से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। आकांक्षा 2016 में एक मॉडल बन गई जब उन्होंने मिस अर्थ इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रतियोगिता के 6-20 में प्रवेश किया। 2017 में उन्होंने डेलीवुड मिस्टर ऑफ मिस इंडिया में भाग लिया और प्रथम रनर अप और बेस्ट कैटवॉक का खिताब जीता। उसी वर्ष उन्होंने मिस इंडिया क्वींस ऑफ पीस प्रतियोगिता में भाग लिया और 6-8 तक पहुँची। उन्होंने 2017 में पुणे फैशन वीक में वॉक किया था। 2017 में वह म्यूजिक वीडियो चुंबन एक एहसास में नजर आई। 30 सितंबर 2022 को वह मुंबई के वसवा में एक होटल में मृत पाई गई। पुलिस का दावा है कि उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वह अपनी जिंदगी से नाखुश थी। एक इंटरव्यू में एक पुलिस अधिकारी ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा, घटना तब सामने आई जब होटल के प्रबंधक ने पुलिस को सूचित किया कि कर्मचारियों द्वारा कमरे का दरवाजा खड़खड़ाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शहर के लोखंडवाड़ा इलाके में यमुना नगर सोसाइटी में रहने वाली संघर्षशिला मॉडल ने बुधवार दोपहर करीब 1 बजे होटल में चेक इन किया और खुद को अंदर से बंद कर लिया। पुलिस को होटल के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला उसमें लिखा था, मुझे खेद है, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बस शांति चाहिए। उन्होंने मांसाहारी आहार का पालन किया है। उसे यात्रा करना और नृत्य करना पसंद था। मॉडल बनने से पहले उन्होंने L&T रियल्टी मुंबई में इंटर्नशिप की थी। बचपन से ही मॉडल बनना चाहती थी लेकिन इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने मॉडलिंग के प्रति अपने जुनून के बारे में बात की और कहा, मॉडलिंग हमेशा से मेरा जुनून रहा है। MBA ग्रेजुएट और इंजीनियर होने के नाते मुझे कभी भी अपने जुनून को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। जब मैंने अपने एक दोस्त से कोको बेरी के बारे में सुना और फिर विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं से इसके बारे में और अधिक सीखा तो मैं प्रभावित हुआ क्योंकि वे विजेता मेरे लिए प्रेरणा है और उनके गुरु अंजलि और ऐसेलिया राउत थे। मेरा मानना है कि मेरा सपन, आत्मविश्वास और किसी भी परिस्थिति में कभी हार ना मानने वाला रवैया मुझे एक अच्छा मॉडल बनाता है। 2022 में उन्होंने अपने पहले थिएटर नाटक सखाराम बाइडर में प्रदर्शन किया। वह अक्सर अपनी फिटनेस रूटीन और रेसिपी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात की और कहा, मैं फिट रहने के लिए खुद पर कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं एक सख्त वर्कआउट रूटीन रखता हूँ जिसमें वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों शामिल है और मेरे आहार में मेरे शरीर के प्रकार के अनुसार कम कार्बोहाइड्रेट और अधिक प्रोटीन होता है। जिस तरह से मेरा काम आकार ले रहा है उसमें मैं खुश हूँ। मैं नियमित आधार पर प्रिंट और कैटलॉग शूट, कुछ वेब शो, 2 लघु फिल्में और संगीत वीडियो कर रहा हूँ। फिलहाल मॉडलिंग मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा, लेकिन अभियान भी एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं आनंद लेता हूँ। यदि मैं वैकल्पिक करियर में विविधता लाता हूँ तो यह अभिनय होगा।